आप सभी का स्वागत है बाग बहार से हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं और सौम्या गए थे कांसाबेल कलर लेने के लिए, प्लास्टिक पेंट लेने के लिए। तो हम लोग कलर ले आए हैं, अब चालू होने वाला है इस रूम का कलर करना है, क्योंकि इससे पहले जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये है सफेद कलर। हम लोग इस रूम का कलर चेंज करा रहे हैं, काफी साल हो गए रूम का कलर चेंज नहीं हुआ था। किचन वगैरह के जितने भी सामान थे वो सब हम लोग कर देते हैं, इसको इकट्ठा ये सब सामान को निकालना पड़ेगा। और दूसरी एक तो और सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सरप्राइज तो मेरे लिए है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भी खुश हो जाओ। हाँ, रोलर लेने जा रहा हूँ। ऐसा सरप्राइज है कि उसके कारण हम लोगों का कहीं का प्लान बन सकता है, मतलब वो उकसाने का काम करेगा। तो पेंटर लोग भी ऐसे ऐसे हैं, महारथी हैं, जो अपना सामान तक नहीं रखते हो। तो गनीमत के मेरे पास ये रोलर रखा हुआ था कि हम लोगों का पेंट का काम हो जाएगा। इन लोग अपना हथियार नहीं रखते हैं, बड़ा दिक्कत है। ये मैं पहले काम कराया था ना, यहाँ की बुदाई कराया था, उस समय का मेरे पास रखा हुआ था। बारिश लगातार हो रही है, बारिश में कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए जमीन पूरा गीला है अभी भी, और ना यहाँ ऊपर से जो पानी गिरता है इस वजह से काई रच गया है। यहाँ पे बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। देखिए कितना मस्त फूल खिला हुआ है, गजब का मदार फूल। तो हम लोग पास जो रोलर था ना वो काम नहीं आया, तो ऊपर में कलर लगा हुआ था वो जम गया था, इस वजह से नया हम लोग ये रोलर मंगाया है 70 रुपये का, ज़्यादा देना बॉक्सिंग का। भाई इतना काम रहता है, इतना काम रहता है ना, जितना भी मैं काम करा रहा हूँ कसम से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पे हम लोग का चल रहा है ये थोड़ा सा फिनिशिंग का काम, पुट्टी हम लोग करा रहे थे लेकिन साइड साइड का ये हिस्सा बचा हुआ था, इस वजह से यहाँ को भी प्लास्टर करा दे रहा हूँ। आखिरकार बहुत दिन के बाद हम लोग का ये जो रूम है ना वो कुछ डिफरेंट दिखने वाला है। तो ऊपर का हो गया फाइनल, अब इसके बाद है हमारी दीवार की। तो ये है पहले का कलर, वाइट कलर, और ये हो रहा है नया वाला कलर। छाटते समय कुछ अलग लगता है यार, लगाएगा तो अलग लगता है। हॉस्पिटल टाइप का तो नहीं दिख रहा है। चल ठीक है, हरा हरा दिख रहा है, बाकी ग्रीनरी वाला कलर है। तो जो मैं आप लोगों को बताने वाला था ना वो है ये, हम लोग मंगाए हैं 2 आइटम अमेजोन से। और ये क्या आइटम है वो हम लोग आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मेरे को ये सामान मंगाना है, और आखिरी में सोचते सोचते अपन मंगा ही लिए। पहले इसको खोलें कि इसको खोलें? तो पहले इसको खोलते हैं, इसमें क्या निकलता है देखते हैं। और ये निकल गया रेनकोट, राइनोक्स का रेनकोट। साइज इसका छोटा तो नहीं हो गया? मेरे को लग रहा है ना कहीं छोटा मत हो जाएगा। बिना बैग के अगर हम लोग इसको पहन के यूज़ करें तब तो ठीक है, लेकिन बैग वैग अगर मैं पहन लिया ना, पीछे तरफ लटका लिया, तो दिक्कत होगा। ये चीज़ पहन के बाइक चलाने का मज़ा कुछ अलग रहेगा पानी में। इस स्टेप से करके ये स्ट्रिप है, ये पैक हो जाएगा। तो उस समय क्यों नहीं आई? तो एक सामान की अनबॉक्सिंग तो हो गई, और दूसरा सामान हम लोगों को अनबॉक्स करना है। तुम लोग अनबॉक्स करो इसको, खोल लेते हैं बाबू एक तो उसको भी। तो सौम्य मारने को तैयार नहीं, ये एकदम लड़ झगड़ रहा है कि इसको मैं ही खोलूंगा करके। ये किसी को ना कुछ भी करने नहीं देता है, एकदम ना अपना बड़ा होने का पूरा फायदा उठाता है ये। ये देखिए पूरा अनबॉक्स कर लिया ये, आर्या को कितना इच्छा था इसको अनबॉक्स करने का। खैर अगला जो सामान आएगा ना, जो भी आएगा उसको आर्या खोलेगी। और ये हम लोग मंगा लिए हैं, देखिए क्या चीज़ है, ट्रेल बैग। अपन मंगाया है ट्रेल बैग, और ये है राइनोक्स का 42 लीटर का, और इसका प्राइस पड़ा है 4150 रुपये। फुल वाटर प्रूफ है, फुल वाटर प्रूफ। और ये हम लोग लगाएंगे अपनी गाड़ी के पीछे, अपनी BMW के पीछे लगाएंगे, कहीं भी किसी भी सफ़र पे अगर निकलते हैं ना तो कपड़ा वपड़ा रखने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको जो है ना हम लोग अपने पीठ पे भी टांग सकते हैं, पिट्ठू बैग टाइप से बना के, और ऐसे भी करके उठा सकते हैं इसको, ऐसे करते हैं दिखा रहा हूँ। तो ये है राइनोक्स का बैग जो हम लोग का फुल यूज़ में आने वाला है। और इसके सामान कैसे डालते हैं और क्या क्या अंदर से निकलता है वो देखते हैं। इसके अंदर ये दिया हुआ है, देखिए एक्स्ट्रा जो हम लोग पीठ पे लाते हैं ना उसके लिए ये सेटअप दिया हुआ है। इसके अलावा ये माउंट करने के लिए आइटम दिए हुए हैं, जो हम लोग बाइक पे माउंट करेंगे ना उसके हिसाब से। मेरे को ये कुछ भी लगाना नहीं आता है भाई,
फिलहाल धीरे धीरे सीख लेंगे कि कैसा लगाना है, क्या करना है। सामान डाल के देखें, और इस पर सामान डाल के ना इसको ऐसे करके मोड़ते हैं, फुल वाटरप्रूफ हो जाता है। पकड़ते सामान डाल के देखते हैं इसमें, और ना ये कुछ कपड़े वपड़े डाल देते हैं ऐसे ही, कहीं जाना नहीं है, ट्राई करने के लिए डाल रहा हूँ बस। खोल दो देखो, मान के चलिए कि भाई इतना सारा सामान डाल दिया, मेरे को लग रहा है कि दो आदमी का तो आराम से इसमें सामान आ जाएगा, या एक आदमी का भी सामान आएगा लेकिन अच्छे से आ जाएगा। और ये एक एक्स्ट्रा पिट्ठू बैग भी डालते हैं, और भी आएगा, अभी भी सामान आएगा, दो जैकेट और डाल देते हैं। ये हो गया, इसमें पैक हो गया लग रहा है, इतना ही ठीक है ना, इसको भी डालना है। चलो ट्राई करके देखते हैं, इसको भी डाल देते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, नहीं इसको मोड़ना भी है ना, ऊपर इसका चैन नहीं रहता है। ये मेरा जो 2016 में फर्स्ट टाइम हम लोग लद्दाख गए थे ना चिंतामणि के साथ, वो वाला जैकेट अभी भी है। और इतना गर्म है ना भाई, मानना पड़ेगा, इंदिरा कंपनी का ये जैकेट है, एक नंबर है। ये हो गया फुल, देखिए कितना बड़ा लगेज तैयार है। और इसको कैसे करेंगे, मान के चलिए लाइट गोल हो गया, ये मान के चलिए भर गया, भरने के बावजूद भी इस स्टेप से इसको मोड़ेंगे हम लोग। ये हो गया, अब पानी नहीं घुसेगा। और ये हो गया इसका स्ट्रैप, यहाँ से ये होगा और ये हो गया फिट, ये हो और गया। ये वाला ये पकड़े, तैयार हम लोग का ये बैग। और ये देखिए इस पे हम लोग एक्स्ट्रा और बैग भी बंजी कोट के माध्यम से चाहे किसी चीज के माध्यम से डाल सकते हैं, उसमें क्लिप व्लिप फंसाने के लिए पूरा जुगाड़ दिया हुआ है, इधर भी और इधर भी पीछे तरफ भी। ये जो दिया है ना, ये हम लोग इसको पिट्ठू बैग बना सकते हैं। ये स्टेप से इसको हम लोग आराम से देखे कहीं भी जाए ना ऐसे पकड़ के भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, मतलब जब चाहे आप गाड़ी में डाल लीजिए और जब चाहे कहीं ले के यात्रा में भी निकल जाइए। ये देखिए लग रहा है ना एकदम बढ़िया, कहीं तुरंत टूर के लिए हम लोग निकल रहे हैं टाइप का, तुरंत कहीं पे चले जाओ टाइप का लग रहा है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग एकदम रेडी है, चलते हैं कहीं पे, जाओ मैं घूम के जाओ कहीं, ट्रैकिंग में भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो एकदम गजब की चीज़ है ये। इसमें एक और जुगाड़ है, हम लोग ऐसे करके भी पकड़ के ले जा सकते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है ना वो तो अब चालू हो। तो ये जो बैग है ना वो मैं स्पेशली मंगाया था हमारे BMW के लिए। ये देखिए क्या है ना कि बाइक के हिसाब से बैग होना बहुत जरूरी है, पता चला कि हम लोग बाइक पे एकदम स्पेशल रखे हुए हैं और उस पर डाल दिए 200-300-500 रुपये वाला बैग दुकान का निकाल के, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए स्पेशल ब्रांड वाले, जैसे BMW अपने आप में एक ब्रांड है, तो बिल्कुल उसी टाइप से हम लोगों को एक अच्छे ब्रांड का बैग यूज़ करना पड़ता है। और राइनोक्स जो कंपनी है ना वो आप लोगों को पता ही है कि स्पेशली टूरिस्ट लोगों के लिए, बाइकर लोगों के लिए ये सब चीज़ बनाती है, और वो स्पेशल है मतलब कुल मिला के। ये कुछ स्ट्रैप्स वगैरह दिए हुए हैं इसके, खोल तो सौम्य। अच्छा एक तो यहाँ से फिट होगा लग रहा है, इधर पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है टाइट करके बांधने के लिए, वो शायद ऐसे आएगा लग रहा है मेरे को, स्टेप्स इसमें घुस जाएगा, ये वाला शायद इससे बाहर निकालते हैं। ये बढ़िया दिया हुआ है, जैसे बेल्ट रहता है ना हमारे कमर वाला, निकालने के बाद यहाँ से घुसा के इसको फिट कर लिया, उस टाइप का दे रखा है। ये यहाँ पे लगेगा ऊपर का, शायद मेरे को लग रहा है ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से ढीला टाइट भी। थूक जाएगा तो पूरा पीछे के लिए। अगर ये हिसाब सक्सेस हो गया ना भाई तो एक नंबर है, ये एक नंबर। इसमें सैडल बैग भी लगा सकते हैं ना, इससे उठा के चढ़ना पड़ेगा। और सुनो ना, इसमें सैडल बैग भी लगा सकते हैं ना, बहुत ज्यादा उठा के उठ पाया तो बताओ ना, सैडल बैग भी लगा सकते हैं। नहीं वही ठीक है, ठीक तो लग रहा है हालांकि। और ये कहाँ लगेगा फिर, ये हो गया फिट हो गया, ये टाइट कर दिए,
ये टाइट हो गया, ये टाइट हो गया, बस 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 ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये एक स्ट्राइक और दे रखा है, ये जुगाड़ कहाँ कहाँ समझ में, ये नीचे से तो नहीं आएगा। इसको मेरे को लग रहा है ना अपन इधर से ऐसे करके नीचे से कर सकते हैं, यहाँ से है ना, लेकिन फिर एक तरफ ज़्यादा भारी हो जाएगा ये, यहाँ से टाइट कर पा रही है। ये मेरे को लग रहा है ना कुछ उठाने का जुगाड़ दे रखा है बाबू ये। हाँ। ये ना मेरे को लग रहा है ना, हाँ उठाने का ही है ये, इसके लिए नहीं है, इधर से उठाने के लिए है। ये ऐसे करके ना इससे होगा शायद, तक इससे इसको रखते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पे ऐसे करके, और मान लीजिए कहीं भी जाना है ना तो बस ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा ऐसे, और एक आराम से पीछे बैठ सकते, तो बैठ के ट्राई करता सामने, ये तो नीचे खसक गया, नीचे खसक गया। हाँ। तो ये शायद थोड़ा सा हम लोग के सामने की तरफ आ गया, ये थोड़ा सामने की तरफ चला जा रहा है अब, ठीक है। कंफर्टेबल तो लग रहा है, थोड़ा सा ये पीछे और जाना चाहिए कि कैसे बन गया। फाइनली एकदम बैग सही लोडेड होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पे ना मेरे को लेकिन एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, इसके ऊपर ना कुछ कवर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन अगर बरसात और साथ में चलेंगे ना तो पीछे से बहुत ज़्यादा कीचड़ फेंकती है गाड़ी, तो इसके ऊपर कुछ पैकिंग करना पड़ेगा, ये तो ये पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा। और कलर तो शानदार लग रहा है इसका बैग का, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक अच्छा सा बैग हम लोगों को लेना है, और आखिर हम लोग ले लिए, बैग ले लिए, रेनकोट ले लिए। भाई टूरिस्टर बाइक है तो हम लोग को वैसा कुछ व्यवस्था तो देना पड़ेगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बाइक आने के बाद ना एक अलग ही जोश महसूस हो रहा है, और उसके लिए छोटे छोटे कुछ कुछ जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ना, ये सब करने पर और ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो बस कहीं निकलने की इच्छा है, देखते हैं कि कब निकलना हो पाता है, लेकिन उससे पहले जो भी व्यवस्था है ना वो हम लोग कंप्लीट कर लिए रहे हैं। तो हमारी ये जो जर्नी है ना, सोचिए कहाँ सुजुकी से स्टार्ट किया था, सुजुकी, उससे पहले लूना, लूना के बाद सुजुकी थी, उसके बाद प्लेटिना, प्लेटिना से डिस्कवर, डिस्कवर के बाद एफजेड, एफजेड के बाद आखिरकार हमारे पास आ गए BMW। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि मैं ये एडवेंचर टूरर लेके एकदम प्रसन्न हूँ, क्योंकि इसको जितना भी आप चलाओ ना यहाँ पे दर्द वर्द नहीं देता है, और सस्पेंशन गाड़ी में है, बहुत आनंद आता है। एकदम सही डिसीजन था हम लोगों का कि मैं ये गाड़ी लिया, तो एक तरफ अपना बिजनेस, दूसरी तरफ जीवन जीने के लिए एक जो हम लोगों के पास जो वस्तु होनी चाहिए वो भी इतना टॉप का वस्तु हमारे पास आ गया, भगवान की बहुत कृपा है। और कहीं ना कहीं इच्छा बहुत बड़ी चीज़ है, इच्छा शक्ति शुरू से मेरे अंदर थी कि मेरे को एक अच्छी सी बाइक लेनी है करके। तो बस उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का ये प्लान बन जाए, और हम लोग को भी मजा आए, आप लोगों को मजा आए। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय बजरंगबली।